हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी मयूर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड में हमने पूरन पोली बनाई थी। आज हम उसी के साथ जो खाई जाती है वो चने की दाल की ग्रेवी, या फिर महाराष्ट्र में इसे कटाची आमटी भी बोलते हैं, तो वही रेसिपी आज हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए, जैसे हम पूरन के लिए चना दाल लेते हैं, वैसे हमने एक कटोरी यहाँ पर चना दाल ली है। वो हम कुकर में हल्दी और थोड़ा सा तेल डालकर इसे हम पका कर लेंगे। तो मीडियम आंच पर हमें 3 से 4 सीटी लगानी है और अच्छे से इसे पकने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चने की दाल एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे उबला हुआ और इसे हम छान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी उबालने के लिए रखा है और इसे हम छान लेंगे। और ये ऊपर जो रहेगा वो दाल हम पूरन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और नीचे जो पानी बचा होता है इसे हम ये ग्रेवी बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये आमटी बनेगी। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर हमने पूरन पोली बनाने के लिए भी किया था। तो ये ऊपर का जो बचा हुआ दाल है इसे हम पूरन बना लेंगे। इससे भी 1-2 चम्मच हमें दाल, यहाँ पर थोड़ा सा इसका पेस्ट चाहिए, तो ये पेस्ट हम इसे बना कर लेंगे। सिर्फ 2 चम्मच हमें लेना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगी। और ये ऊपर का जो बचा हुआ ड्राइड दाल है उसका हम पूरन बना लेंगे, और नीचे का जो ये पानी है इसे हम आमटी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 1 ड्राइड हमने कोकोनट लिया है, अदरक और लहसुन और हरी धनिया ली है। तो ये जो सूखा नारियल है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। फिर हम मिक्सी के एक जार में ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट बनाया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे छोटी सी, और उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, और ये सूखा नारियल है उसके जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर थोड़े से इसमें फ्राई करके लेंगे। ये इसका, ये ग्रेवी का ये स्पेशल मसाला है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज के हमने यहाँ पर लंबी कटी हुई प्याज ली है। इसे भी हम अच्छे तरह से भून लेंगे। तो प्याज अच्छे तरह से या फास्ट कुक होने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। तो सबसे पहले हम सूखा नारियल है उसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम प्याज डालकर उसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा मसाला लगभग यहाँ पर रेडी है। अब हम ग्रेवी को तड़का लगा लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट लिया है, फिर हमने जो प्याज और सूखे नारियल का पेस्ट लिया है, फिर तेल लगेगा, प्याज लहसुन का स्पेशल मसाला है, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो हम अब शुरू करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर भगोना रख दिया है, या फिर आप कढ़ाई में भी लगा सकते हो तड़का। तो इसमें तेल डाला है थोड़ा सा, और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम सबसे पहले अदरक और लहसुन और धनिया का पेस्ट डालेंगे, और इसके बाद हम प्याज और सूखा नारियल का जो पेस्ट बनाया था भून कर वो डालेंगे। तेल छूटने तक हमें इसे भूनना है अच्छे से। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सूखे मसाले में सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली है। फिर आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर प्याज का एक स्पेशल मसाला रहता है प्याज और लहसुन का, वो यहाँ पर हमने 2 चम्मच डाला है। फिर हम धनिया और जीरा का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, और गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे। दोस्तों, इतनी टेस्टी ये ग्रेवी बनेगी, आप जरूर इसे ट्राई करके देखना, सबको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत स्पेशल डिश है। अब हम इसमें तेल छूटने के बाद हम इसमें जो वो पानी हमने यहाँ पर रखा था चना दाल का छाना हुआ, वो पानी यहाँ पर डालेंगे। इसी पानी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम
और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर भी आया है। अब इसे हम उबाल आने देंगे और इसके बाद हम एक चम्मच इसमें या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे हमें गैस की फ्लेम, अभी इसे उबाल अच्छे से आ चुका है तो गैस की फ्लेम जो है वो हम एकदम धीमी करनी है और 10 मिनट वैसे ही इसे छोड़ना है और फिर गैस ऑफ कर लेते हैं। हम हमारी स्पेशल डिश पूरनपोली के साथ जो खाई जाती है वो कटाचे आमटी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब इसे हम गार्निश करने के लिए ऊपर से हरी धनिया डालेंगे। सुपर टेस्टी, लाजवाब, ऐसे जायकेदार ये ग्रेवी है चना दाल की। तो फ्रेंड्स, ये आमटी स्पेशली राइस के साथ खाई जाती है, स्टीम्ड राइस के साथ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।